तो पिवट टेबल डेटा को एनालाइज करने के लिए, समराइज करने के लिए एंड रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और जैसा कि हमने बताया आपको कि पिवट टेबल से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को चेक कर ले कि आपका डेटा का हेडिंग ब्लैंक ना हो, बीच में कोई रो ना हो, और सिलेक्ट करके पिवट टेबल आप लगा सकते हैं। बट पिवट टेबल लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको क्या रिपोर्ट बनानी है। जैसे कि मुझे लगा लिया, पिवट लग गया, और मुझे अपने डेटा में क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है। मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है कि एम्प्लॉई वाइज, मंथ वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, मंथ वाइज किसने कितनी छुट्टियां मारी है, राइट सर। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट को यहाँ पर रखें और हम मंथ को उठा के कॉलम में रखते हैं। हालांकि कॉलम में रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मंथ को रखने से फायदा हो जाएगा। और फिर हम सिक डेज को यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि भाई मेरा इतना इतना हॉलीडे टीम में है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे परसेंटेज शो, क्या शो हो, परसेंटेज शो। तो हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में, शो वैल्यू एज में जाके नो कैलकुलेशन की जगह पे ये आपका परसेंटेज ऑफ द रो को सिलेक्ट कर लिया। एंड दिख गया कि ओवरऑल में आईटी जो है, आईटी में वो भी अभी तक की टोटल जो साल भर की मान लीजिए छुट्टियां है, तो 22% फरवरी में कर लिया है, 13% किया है इसमें मई में किया है, और फरवरी महीना में ओवरऑल 10% की छुट्टी है। सारे डिपार्टमेंट मिला के 10% सिर्फ महीने में छुट्टी हुई है। तो ये आपका जो है रो वाइज परसेंटेज में आ गया। तो इस तरह की एनालिसिस, इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम पिवट टेबल। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी भी फील्ड को उठा के अगर कॉलम में रखते हैं, किसी भी फील्ड को उठाकर अगर आप कॉलम में रखते हैं, तो एक ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? ध्यान रखिएगा कि आपका कॉलम का जो हेडिंग है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। आपके कॉलम का जो हेडिंग है वो हेडिंग बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिमिटेशन। अगर मान लीजिए कि 16,000 से ज्यादा हुआ तो लेगा ही नहीं, और बहुत बड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैं नेम उठा के रख देता हूँ, नेम बहुत है ना इसमें, नेम उठाया कॉलम में रख दिया, तो क्या दिक्कत हो गई सर? देख रहे हैं ना कितना बड़ा हो गया, इसको नेविगेट करने में काफी दिक्कत हो रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हम मतलब कि कॉलम में ना रख के हम क्या करेंगे, रो के अंदर सब हेडिंग बना देंगे। यहाँ पे डाल दिया तो सब बनेगा, आईटी के अंदर में इतना रो है। इसी का फायदा है कि यहाँ पे प्लस माइनस का निशान दिख रहे हैं ना, इसे क्या होगा, समरी ऑफ द समरी हो जाएगा। अगर मैं एनालाइज पे जाऊं और इस पे प्लस पे क्लिक करूं, माइनस पे क्लिक करूं, तो प्लस पे इस बोलते कॉलेज पे एक्सपेन, ये आपका होता है कॉलेज एप, कॉलेज कैप, और यह आता है एक्सपेन। तो अगर हम इस पे सर्च करते हैं तो इस तरह से दिख जाएगा, इस तरह से आपका समरी ऑफ द समरी आ जाता है। लेकिन इसमें छोटी सी एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, चलिए बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको किसी को भेजना है आपको, तो पिवट टेबल को एज ए पिवट टेबल रिपोर्ट भेजनी है, दैट गुड। बट अगर आपको कॉपी कर गया, सम टाइम क्या होता है, हम लोग कॉपी करते हैं, उसके ऊपर कुछ और कैलकुलेशन करते हैं, देन हम रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो उस समय क्या प्रॉब्लम होगी? उस समय प्रॉब्लम होगी कि देखिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आईटी और मंथ कौन। तो यहां पे मैं चाहता हूं कि पहले कॉलम में मेरा डिपार्टमेंट हो, सेकंड कॉलम में नेम हो, एंड थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ सिक डेज हो, टोटल ऑफ सिक डेज हो। तो उस केस में दो तीन तरीके हैं। आप डिजाइन में जा सकते हैं, डिजाइन में यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट है, रिपोर्ट लेआउट में यहाँ पे आप तो टेबलर फॉर्म कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जा सकते हैं, और पिवट टेबल ऑप्शन में आपके साथ डिस्प्ले में होता है क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, किसको यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए हर हर के नीचे आपको सब टोटल दिख रहा है, और मुझे सब टोटल हटाना है, तो राइट क्लिक कीजिए और यहां से सब टोटल डिपार्टमेंट को अनचेक कर दीजिए, आपका हट जाए। अभी डेटा किसी को मैं भेजूंगा तो ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी छोटा डेटा है, बड़ा डेटा होगा तो फिल्टर वगैरह करने में दिक्कत होगी, जब पिवट टेबल रिमूव हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आईटी यहां पे रिपीट हो जाए, तो यही पे रिपोर्ट लेआउट में ही रिपीट ऑल आइटम लेवल है,
ऐसा कीजिए ये पूरा का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे इस तरह से रिपीट हो जाएगा। अब कभी कभी जिससे रिपोर्ट वगैरह शो करते हैं तो दो लेजेंड के बीच में एक ब्लैंक लाइन रखते हैं ताकि सेपरेशन दिखे, तो यहां से आप अपनी ब्लैंक लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी सारी फीचर्स को हटाने हैं तो अगेन रिमूव, और यहाँ पे अगेन डू नॉट रिपीट कर दें, आपका रिपीट नहीं है। अब रिपीट के अलावा मैं इसको यहाँ पे मर्ज करना चाहता हूँ, सिलेक्ट कर लू और इसको यहां से हम मर्ज कर दें, बट क्या है कि पिवट टेबल में डायरेक्टली आप मर्ज नहीं कर सकते हैं, तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे मर्ज सेल लेवल पे क्लिक करेंगे, ये आपका मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि मैंने देखा कि आईटी टीम ने दिसंबर में 10 छुट्टियां मारी है, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने छुट्टियां मारी है, तो मुझे आईटी का दिसंबर का डेटा देखना है, तो आपको डेटा शीट में जाके फिल्टर लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है, आप पिवट टेबल पे जस्ट डबल क्लिक करें आपके डेटा पे, एक नई शीट में इसकी डेटा कॉपी हो जाएगी और यहाँ पे पर्सन नेम हो गया जिन्होंने 2 छुट्टियां मारी है, 3 मारी है, 1 ने 5 मारी है, आप देख सकते हैं इजीली। तो जस्ट आपने डबल क्लिक किया और आप जो है उसको देख, आपने उसको यूज कर लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे आदमी को डबल क्लिक करने की आदत होती है, डबल क्लिक करने की आदत होती है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जाएंगे पिवट टेबल ऑप्शन पे और यहाँ डेटा में अनेबल शो डिटेल को अनचेक कर देंगे, क्या करेंगे, अनेबल शो डिटेल को अनचेक कर देंगे, देन ओके करेंगे। अब क्या होगा कि आप कहीं भी डबल क्लिक करें तो डेटा आपका शो नहीं होगा, क्लियर सर? हेलो, तो उमेश कुमार यादव जी एंड प्रदीप रावल जी, कोई डाउट इसमें? एक डाउट है, अगर डाटा में बहुत सारा फील्ड है, जैसे सीट में जाइए सर डाटा में एक बार, अगर इसमें 400-500 रोज है, 600 है, 1000 है, कहाँ पे कौन सा ब्लैंक है हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो कैसे करेंगे फिर अगर पूरा नहीं चलता? ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब है कि पूरी की पूरी रो ब्लैंक, समझ रहे, ऐसा नहीं कि ये ब्लैंक है लेकिन यहाँ पे डेटा है, तो ये पकड़ लेता है, कंट्रोल ये हो जाता है, पूरी की पूरी रो की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? तो आप इसके लिए कर्सर रखे कंट्रोल के साथ डाउन आए, अपने आप पता चल जाएगी ब्लैंक यहाँ पे, कंट्रोल के साथ डाउन है रो, पता चल गया सर? हाँ बस सिंपल है, और बताइए आपको डाउट? नहीं सर। तो इस तरह से पिवट टेबल पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया कॉलन एंड रो का क्या यूज है और वैल्यू का क्या यूज है। वैल्यू में बाय डिफॉल्ट सम आता है, आप चेंज यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू सेटिंग पे जाके चेंज कर सकते हैं कि सम के जगह पे काउंट दे, एवरेज दे, वगैरह वगैरह जो आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है, ओके। अब यहां पे आगे हम बात करते हैं कि फिल्टर का क्या रोल है। तो आप देख रहे हैं कि ये ओवरऑल डेटा जो आपको दिख रहा है ओवरऑल दिख रहा है, लेकिन मुझे अगर किसी पर्टिकुलर इस पे चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जिसकी परफॉर्मेंस स्कोर, जिसकी मैं देखना चाहता हूँ कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस और इसमें क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसकी अटेंडेंस अच्छा होता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो परफॉर्मेंस स्कोर जो मिला हुआ है उसके बिहाफ पे हम देखना चाहते हैं छुट्टी, तो मैंने हाईएस्ट परफॉर्मेंस 4-5 देखा, तो 5 में हमने छुट्टी का स्कोर देखा। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेटा क्या है कि वो डेटा फिल्टर्ड हो गया है, इसको हम पेज फिल्टर कहते हैं, कि यहाँ पे आप फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे एक फिल्टर नहीं कई सारे फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास फिल्टर कॉलम रो में जो चीजें है, एक कॉलम किसी एक, मान लीजिए एक फील्ड किसी एक में ही रहेगा। मैं उठा के फिर मान लीजिए कि मैं मंथ को चाहता हूँ कि वापस फिल्टर में रखना, तो मंथ यहाँ रो से हट जाएगा। ठीक है, तो आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना रिपोर्ट लेआउट डिजाइन कीजिएगा।
क्लियर सर, कोई डाउट इसमें? जी।